भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। शाह बालोतरा और बायतू में जनसभा को संबोधित करने के साथ बाड़मेर में रोड शो करेंगे। अमित शाह के गांधी चौक से शुरू होने वाली रोड शो को लेकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को बाड़मेर प्रवास पर रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बालोतरा व बायतू में जनसभा को संबोधित कर दोपहर में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे, जहां गांधी चौक से बीजेपी प्रत्याशी व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के समर्थन में रोड शो करेंगे। अमित शाह के बाड़मेर में होने वाले रोड शो को लेकर जिला अध्यक्ष दिलीप पालीवाल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं में जोर शोर से जुटे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई शाह पधार रहे हैं। बाड़मेर में गांधी चौक से लेकर अहिंसा सर्किल तक रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। उस रोड शो की तैयारियों के निमित्त हमारे कार्यकर्ता पूरी विधानसभा में सक्रिय है और इस कार्यक्रम में तकरीबन 25 से 30,000 लोग इस रोड शो में भाग लेंगे और तैयारियों के निमित्त पूरे हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जगह जगह स्वागत द्वार बनाए जाएंगे और अमित भाई शाह के लिए रथ तैयार हो चुका है। उस रथ में बैठकर वो गांधी चौक से रवाना होकर अहिंसा सर्कल तक रोड शो के जरिए जाएंगे। रोड शो ही है और कोई नहीं, थोड़ा बहुत संबोधन होगा, वहीं मंच रथ पे ही खड़े खड़े वो संबोधित करेंगे। शाह के रोड शो को लेकर झंडे, बैनर, पुष्प का प्रबंध पहले ही कर रखा गया है। वहीं शनिवार दोपहर 3 बजे अमित शाह गांधी चौक से रथ पर सवार होकर अहिंसा सर्किल तक रोड शो करेंगे और अहिंसा सर्किल पर रथ से अपना संबोधन देंगे।